स्कूल कामठी रोड नागपुर ने लगातार चौथी बार बेस्ट को एट डे स्कूल अवार्ड 2022-23 में नंबर एक का खिताब जीतकर शिक्षा जगत में अपना नाम दर्ज कराया है। जबकि डीपीएस मेहान नागपुर ने शिक्षा की दुनिया में बेस्ट को एट डे स्कूल अवार्ड 2022-23 में नंबर तीन का स्थान हासिल किया है। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान डीपीएस की तुलिका केडिया प्रेसिडेंट एंड पीवीसी कामठी रोड एंड मेहान द्वारा दी गई। ये दोनों शाखाएं लगातार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रही हैं और इन शाखाओं ने खुद को शहर के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों के रूप में स्थापित किया है, जहां छात्रों को समग्र भविष्य और वैश्विक शिक्षा प्रदान की जाती है। दिल्ली पब्लिक स्कूल कामठी रोड और मेहान नागपुर के प्रिंसिपल और वाइस चांसलर तुलिका केडिया ने इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को प्राप्त करने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उनका दूरदर्शी नेतृत्व हमेशा इन दोनों शाखाओं को सफलतापूर्व प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता रहा है। दोनों शाखाओं की निरंतरता इस ऐतिहासिक जीत की पूंजी रही है। दोनों शाखाओं को शांतिप्रिय और संवेदनशील छात्रों की एक पीढ़ी का निर्माण करके समाज की सेवा करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जो कि भविष्य का नेतृत्व करेंगे। गुणवत्तापूर्ण और समय विकास उन्मुख शिक्षा प्रदान करने के दर्शन ने स्कूल को सफलता प्राप्त करने में मदद की है, जिसकी खुशी मनाते हुए आज मेहान स्थित डीपीएस मेहान में सेलिब्रेशन करते हुए केक कटिंग किया गया। यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे जो प्रमोटर हैं प्रेसिडेंट एंड वाइस चेयरपर्सन मिस तुलिका केडिया, उनके दोनों स्कूल डीपीएस कामठी रोड एंड डीपीएस मेहान को फर्स्ट थ्री पोजीशन में मिला गया। जैसे कामठी रोड को फर्स्ट पोजीशन मिली गई है और मेहान को थर्ड पोजीशन मिली गई है बाय एजुकेशन वर्ल्ड। ये बहुत ही मान्यता और बहुत मान सम्मान की चीज़ है कि हम लोगों ने अपनी जगह बनाई है। हमारे 16 साल हुए हैं और मेहान को सिर्फ अभी 4 साल हुए हैं, बट ये तुलिका मैम की देख रेख में जिस तरह से वो हमको टीचर्स को हेल्प करती रहती हैं, बताती रहती हैं कि ऐसे करो वैसे करो, इसलिए हम अपने बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट करते हैं। सिर्फ पढ़ाई या खेलकूद नहीं, बट ये आजकल जो NEP चल रहा है उसके तत् पर हमको जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग करनी है वो सब लेते हुए हम लोग करते हैं। और हमारे को जैसे रिसोर्सेज चाहिए, कोई जना चाहिए जो आके हमको बता सकता है करता है, मैम कभी भी दो बार नहीं सोचती हैं और मैम लेके आती। वो चाहती हैं कि बच्चे जो हैं उनका होल 360 डिग्रीज का डेवलपमेंट हो, ये नहीं कि वो सिर्फ एक ही चीज़ करें, वो सब कुछ करें। मैम ये सबका हेल्प है। एक बच्चा पढ़ता है, उसको मज़ा आता है, वो काम करता है। दूसरी बात ये है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका भी सहयोग है, क्योंकि हम जो करवाते हैं जैसे प्रोजेक्ट्स है या कहीं जाना है या कुछ करना है वो भी करते हैं। और टीचर्स तो बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं बच्चों के साथ, क्योंकि ऐसा नहीं है, आपको पता है, स्पेशली अभी जब लर्निंग गैप्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं, टीचर के मतलब मस्तक पे कभी मैं नहीं देखती हूँ कि मैं अगर कहती हूँ कि इस बच्चे को आफ्टर स्कूल बैठा दो, इसको ये कर दो। कभी भी मेरे स्कूल के जो टीचर्स हैं हमेशा तैयार रहती हैं। आजकल ऑनलाइन भी वो उनको एजुकेट करती रहती हैं, उनको हेल्प करती हैं, क्योंकि वो कहती हैं आफ्टर ऑल ये हमारे ही बच्चे हैं, इनको हमको एक कगार पर ला के खड़ा करना है। कुछ बनेंगे तो हमारा स्कूल और हमारी टीचर्स का इनाम होगा। टीचर्स ने बहुत मेहनत की है हमारे। एक प्रमुख शैक्षणिक पत्रिका एजुकेशन वर्ल्ड ने शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली पब्लिक स्कूल कामठी रोड और मेहान नागपुर द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की है। इस जीत से स्कूलों ने अपनी काबिलियत साबित कर दी। इस अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए प्रबंधन ने शिक्षकों को साथ ही उनकी टीम को सम्मानित किया है। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को पाकर स्कूल के प्रबंधन, शिक्षक और कर्मचारी खुशी से झूम उठे थे। NBC न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।